जी, मेरा नाम मोहम्मद तबरेज़ है और मेरा गांव दनसार, ये थाना डगरवा, ज़िला पूर्णिया। और ये मेरे बगल में जो बैठे हैं ये मेरे पिताजी हैं, उम्र लगभग इनकी 65+ है। ये पिछले साल रमज़ान में इनकी तबीयत कुछ ख़राब हुई, जब इसको हम पूर्णिया लेके आए, लाइन बाज़ार पूर्णिया, डॉक्टर साहब को दिखाए तो वो अपनी प्रक्रिया पूरा करते हुए जब जाँच पड़ताल किया तो इसका किडनी में कुछ प्रॉब्लम आया, क्रिएटिन लेवल इसका कुछ बढ़ा हुआ था। डॉक्टर साहब ने 1 मंथ की दवाई दी और बोला इसको खिलाइए, और खिलाने के बाद फिर दोबारा आके दिखाइएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि किडनी में इसका सिस्ट हो या इसका किडनी ख़राब हुआ। तो उसके पास जब दोबारा आए तो वो बताया कि सर, आपके पापा की जो है किडनी ऑलरेडी ख़राब हो रहा है, और आप किसी बढ़िया डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाइए, यहाँ मेरे पास इसका इलाज संभव नहीं है। फिर उसके बाद क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा था तो रमज़ान में हम लोग के लिए बाहर का सफ़र करना मुश्किल था, तो फिर हम बहुत छानबीन करने के बाद पटना के एक दो डॉक्टर का अता पता लगा। जब उसके पास गए, डॉक्टर साहब के पास, वहाँ सारा चेकअप वकअप हुआ, तो उस वक्त मेरा पापा का किडनी क्रिएटिनिन लेवल 5 कुछ था। उसको दिखाने के बाद फिर वो 15 की दवाई दिए। 15 की दवाई देने के बाद घर आए हम, 15 की दवाई इस्तेमाल करने के बाद फिर जब दोबारा बुलाए थे, जब दोबारा गए तो क्रिएटिनिन लेवल और बढ़ ही गया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी हुई। डॉक्टर साहब से डिस्कस हुआ तो उसको हमने बोला कि भाई, आपकी दवाई खाने से हमें तो फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो रहा है। तो बोला वो कैसे, हमके सर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है तो मेरे लिए परेशानी ही है। तो डॉक्टर साहब बोलने लगे कि भाई, अगर 6+ हो जाएगा तो फिर आपको जो है डायलिसिस कराना पड़ेगा या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। तो हम बोले सर, ना तो हम डायलिसिस करेंगे ना किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, इसके लिए कि और डॉक्टर को हम देखेंगे। तो बोला भाई, आपकी मर्ज़ी। मगर वो जब हम वहाँ से वापस आने लगे तो अंग्रेज़ी एलोपैथी का डॉक्टर था, तो वो हमको एक चीज़ बोला कि सर, आप कहीं भी इलाज कराओगे, इलाज यही संभव है, या तो डायलिसिस या ये क्या कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, अलबत्त आप हेमोपैथ या फिर क्या कहता है आयुर्वेद में नहीं जाना, वरना फिर बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे। उसने मुझे स्पष्ट ये बात कही, तो मुझे बड़ा अजीब तरह लगा कि भाई, डॉक्टर साहब वो कैसे कैसे बोल रहे हैं। खैर, हम उससे बहस नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद हम वहाँ से वापस घर आए, फिर हम पूर्णिया में एक डॉक्टर है मेरे जानने वाले हैं, मनोज कुमार केसरी, हेमोपैथ का डॉक्टर है, उसके यहाँ हम गए डॉक्टर। तो उसको जब दिखाए कागज़ पत्तर तो वो उसने कुछ दवाई दी, और वो दवाई अल्लाह के फजल से अच्छा खासा फ़ायदा किया, और यानी 1 साल तक अब्बा मेरे ठीक रहे, मगर जितना ठीक होना चाहिए वो संभव नहीं हो सका। फिर अभी लमसम 15 पहले जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, तो फिर हम जब दोबारा डॉक्टर साहब के यहाँ आए तो वो बोला कि थोड़ा डॉक्टर साहब से मिलिए, हमारी बस की जो था वो हम तो कर रहे हैं। तो फिर हमें फेसबुक के ज़रिए ये अनुपमा हॉस्पिटल के बारे में पता चला, तो हम फिर उसी दिन डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर साहब से आके मिले। सारा जाँच वाँच होने के बाद तो रिपोर्ट मेरा बहुत डेंजरस था, क्योंकि पापा का क्रिएटिनिन लेवल 10.1 आ गया था, जो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक था, क्योंकि कुछ खा पी नहीं रहे थे, विटनेस बहुत ज़्यादा आ रहा था, वॉमिटिंग आ रही थी, तो काफ़ी परेशान हुए। तो डॉक्टर साहब के पास जब आए थे, उसने देखा सारा चीज़, तो हमें तसल्ली दी और भरोसा दिया कि आप घबराइए मत, हमारे यहाँ इसका इलाज बगैर डायलिसिस के संभव है, और ऊपर वाले ने चाहा, ईश्वर ने, अल्लाह ने चाहा, तो आपका पापा सही हो जाएंगे। तो फिर उसने हमें दवाई दी, यानी हम पिछले इसी महीने की 2 को आए थे और फिर आ जाए हैं, यानी 1 के बाद आए हैं, तो क्रिएटिन लेवल 1 है तो कम हुआ है, और पापा का जो जोर में जो दर्द होता था, दर्द बहुत ज़्यादा होता था, इतना दर्द होता था कि बच्चे की तरह रोते थे वो, तो दर्द की शिकायत तो दूर हो गया है, और क्रिएटिन लेवल भी 1 कम हुआ है, और पहले से बहुत बेटर ही फील कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब आज हमें तसल्ली दिए हैं कि भाई, बगैर डायलिसिस का आपका इलाज हम अच्छी तरीके से करेंगे और आपका पापा सही हो जाएगा। मेरा यही अनुरोध है आदमियों से कि जो लोग अगर इस तरह के पेशेंट हैं या परेशान हैं, तो भाई, अभी भी इसी हॉस्पिटल में एक आदमी मिला जो बेचारे डायलिसिस पे हैं और डायलिसिस करा रहे हैं, जबकि डॉक्टर साहब ऑलरेडी उसको मना कर चुके हैं, क्योंकि किडनी पेशेंट के लिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं है, और ना ही संभव है कि डायलिसिस से आदमी सही हो। डायलिसिस टेम्पोररी उसको रिलीफ तो दे सकता है, मगर किडनी का फंक्शन दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकता। रीजनरेट के लिए तो अनुपमा में आकर संपर्क कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
और एलोपैथिक में तो सिवाय नुकसान का और कुछ नहीं, जो मेरा अपना तजर्बा है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी राय बातें बताई, और यहाँ का ऑल स्टाफ भी बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ का सिस्टम भी बहुत बढ़िया है, हर चीज़ बहुत अच्छा है, और इमिजिएटली हर चीज़ को रिस्पॉन्ड के साथ देखा जाता है और अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का सदा आभारी हूँ, और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि डॉक्टर साहब इसी तरह हमें समान आदमियों का सेवा करते रहें।